नमस्कार, डेली न्यूज झारखंड में स्वागत है आपका। मैं हूं इम्तियाज अंसारी, प्रस्तुत है समाचार। गढ़वा, 16 जनवरी 2021 को भाकपा माले और अखिल भारतीय किसान महासभा द्वारा आयोजित गढ़वा में संकल्प मार्च व जन संकल्प में शामिल होने को लेकर 10 जनवरी को किसान महासभा के नेतृत्व में हसकेर गांव के जमनी टाण में जन संकल्प सभा सम्पन्न हुई। सभा को संबोधित करते हुए माले जिला सचिव कालीचरण मेहता ने कहा कि आज किसान आंदोलन 45 दिन से चल रहा है। करीब 70 किसान शहीद भी हो गए हैं और अभी जीवन मौत से जूझ रहे हैं। जीवन मौत से जूझते किसान अपनी मांग तीनों काले कृषि कानून की आपसी तथा MSP को कानूनी गारंटी देने के लेकर डटे हुए हैं और मोदी सरकार भी वार्ता का नाटक करते हुए अडानी अंबानी के पक्ष में दलाली करते फिर रही है। किसान अपने पेट के लिए लड़ रहा है और मोदी सरकार कारपोरेटों के लिए यह आंदोलन देशवासियों की पेट और मोदी के कारपोरेटों के बीच चल रही है। अडानी अंबानी 100 रुपया आटा देंगे और किसान 20 रुपए देने के लिए डटे हुए हैं। तीनों कृषि कानून कारपोरेटों को फायदा पहुंचाने के लिए और अन्नदाताओं को भूखों मरने के लिए 16 जनवरी झारखंड के जननायक कॉमरेड महेंद्र सिंह की शहादत दिवस 16वीं वर्षी पर तमाम किसानों, मजदूरों एवं छात्र नौजवानों से आह्वान करते हुए 16 जनवरी को हजारों की संख्या में गढ़वा पहुंचने, आंदोलित किसानों की हौसला अफजाई करने, जन संकल्प सभा को संबोधित करते हुए भाकपा माले की जिला कमेटी सदस्य सुषमा मेहता ने कहा कि अहंकारी मोदी सरकार को किसानों पर जुबान नहीं खुलता और समय नहीं निकलता, पर अंबानी के घर में बच्चे के जन्म लेने पर बधाई देने का समय मिल जाता है। उन्होंने कहा कि योगी के राज में महिलाएं असुरक्षित हैं, बदायूं मंदिर में पुजारी सहित उनके गुंडे सरेआम गैंगरेप करते हैं और प्राइवेट पार्ट में रॉड डालते हैं, हाथ पैर तोड़ देते हैं और मोदी बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का अभियान सर्वसार हो गया। तो पता चला कि हम लोगों की सभा को बाधित करने के लिए